सो हे गाइस, आई एम हर्ष कृष्ण एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर किड। सो पहली बार गेयर वेयर पहन के आ गए और अपने साथ है मन एंड धोखेबाज नहीं है। इस राइड का धोखेबाज कौन था? सिन्हा। और सिन्हा, एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं अकेले ये करूंगा, ट्रेलिंग शॉट्स निकालूंगा, ये करूंगा। मन पीछे वैसे भी बैठता था सिन्हा के पीछे, तो मैंने सोचा पूरा एकदम, बट सिन्हा भी नहीं आया तो कोई ना। बट या वी पार्क सिद्धा हियर और हम लोग है लायंस पॉइंट, बोल रहा हूँ टाइगर्स पॉइंट। बेसिकली टाइगर्स पॉइंट में ये जगह किसी को मालूम नहीं होगा, उससे थोड़ा पहले ही है। तो ये देखो कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, सनराइज अभी जस्ट हुआ है और बहुत मीठी मीठी ठंडी में मीठी मीठी धूप, मजा आ रहा है। और ये रहा, तो अभी मन मेरे थोड़े फोटोज खींचने वाला है। एंड टू बी फ्रैंक मन, जब तूने हेलमेट मेरा पहली बार उतारते देखा, तेरे को कैसा लगा? क्या हाल था मेरा? सिकड़ा हुआ एकदम। एक्चुअली क्या है कि वो नया बालक लावा है ना, तो बालक लावा वो इधर रेड मार्क कर दे रहा है। या वो देखा, हाँ इधर 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 किधर तो ना रेड मार्क कर दे रहा था। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो मतलब पूरा इलास्टिक है ये, तो वो रेड मार्क आ गया। देन ये पूरा मेरा ऐसा दब गया था और हेलमेट खुद नया है, तो वो पूरा वो अभी तक ब्रेक इन नहीं हुआ है। शॉट लेना चाहिए था ऐसे, तो ब्रेक इन नहीं हुआ है तो मेरे को इतना ज्यादा था ना। बट ठीक है, सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से वो बहुत सही चीज है, क्योंकि आपका जो भी चिन विन है ऐसे एकदम प्रॉपर इंटैक्ट रहना चाहिए। सही है, अभी थोड़ा शूट करते हैं। ज्यादा कुछ तो कुछ नहीं, इट्स अ संडे मॉर्निंग, बस चल रहे। आज ज्यादा बाइकर्स नहीं देखे रे मैंने, कम थे, इतने नहीं देखे जितने मतलब यूजुअली दिखते हैं लोनावला में। क्राउड होता है उतना नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में लोग, हम लोग ही कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। तो एक्चुअली इतने प्यारे लोकेशन मिल गया है ना, अभी हम लोगों ने बाइक को कुछ इस तरीके से पार्क किया है एक पेड़ के नीचे, एंड क्या दिख रहा है यार मतलब। और मन भी एक्चुअली अच्छा फोटोज खींच रहा है, रील भी बना रहे हम लोग। तो अगर आप लोग ने मुझे और मन को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ जाके कर लो। मैंने तो अपना बता दिया, बट मन का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। बट बहुत हवा भी चल रहा है, तो आई होप द माइक इज डूइंग द जस्टिस। एंड प्लीज कमेंट करके बताओ कि मेरे गेयर्स तो एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है, बट दिखने में कैसा है? एक नंबर, स्टेल्थ ब्लैक नहीं लग रहा पूरा, है ना। और हेलमेट तो क्या ही बोले। ओहो, दांत कुत्ता भी आ गया यहाँ पर एक, तो कुत्ते से मस्ती नहीं करना चाहिए। तो हेलमेट भी इतना अच्छा, बट वो थोड़ा स्नग फिट है ना, तो वो चलता है। बट अभी फोटोज खींचते हैं, पहली बार पहना ना इसी, एंड कुछ खा के जाएंगे अभी। One hour later. जो भी फोटोज एंड रील्स निकालने थे वो तो हो गया, अभी हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने। क्या खाएंगे? मैगी। हाँ, अभी तक तो मैगी बोल रहा था तू। मैगी, अच्छा ठीक है, तो मैगी खाने का प्लान फिक्स है ना? पक्का फिक्स हो गया। चाय पियेंगे? चाय के लिए कभी नहीं नहीं बोलते, बट हाँ चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे। और अभी निकलते हैं, फिलहाल फोटोज खींच लिया, बहुत सही फोटोज आए। मन कैसा लगता है? बट लोकेशन एक्चुअली बहुत सही है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मतलब टाइगर पॉइंट तो हर कोई आता है, बट ये जगह किसी को मे बी रेयरली मालूम रहेगा। तो हमने आंखों के तो भी लोग नहीं पता, बट एक्चुअली सच बोलूं तो यहाँ पर दारू के कांच वाच फूटे हुए दिख रहे हैं, तो फिर दारू के बॉटल के, तो ये समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोकल्स आते होंगे। बट या टू बी फ्रैंक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग स्पॉट्स, एकदम साउथ अफ्रीका लग रहा है। दिखा खाली एक बार, ये देखो ये दिखाया ना मैंने, कुछ ऐसे ही दिख रहा है, बट इट इज लाइक साउथ अफ्रीका टू बी फ्रैंक। और मैं कुछ ज्यादा ग्रीनरी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि विंटर्स में ड्यू रहता है, बट वो स्टिल अभी ये पूरा एकदम ग्रासलैंड जैसा है, जो कि बहुत सही दिख रहा है। तो यार अभी निकलते हैं। आई डोंट नो माइक ने पकड़ा कि नहीं, बट एक इनलाइन फोर का आवाज़ था वो। सो या अभी जाते हैं नीचे खाते हैं, देन मैं तभी कैमरा ओपन करूंगा, कैमरा तभी करूंगा ऑन करूंगा, नहीं तो यहाँ पर रील्स वील्स तो सब शूट कर लिया। इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मज़ा आ रहा है। और गेयर्स की बात जाते वक्त भी कर सकता हूँ, तो फिर ठीक है। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि जगह बहुत अच्छा था। बाइक के फोटोज़ और अपने फोटोज़ जो आए हैं, थैंक यू मन, थैंक यू एक और बार। मन एक्चुअली ऐसा फोटोग्राफर है ना, हाँ जितने भी मेरे मैक्सिमम फोटोज है या तो दो लोग खींचते हैं, या तो मन या तो याशना मैडम। पहले मन को बोलूंगा, क्योंकि मन इज द मैक्सिमम टाइम फोटोग्राफर टाइप्स, और याशना मैडम भी कभी कभी खींच लेती है एकदम अजीब अजीब टाइप। और जो भी एकदम मैक्सिमम जो मिट्टी विट्टी वाले ना, सब इसने खींचे हुए, क्योंकि ये पूरा मिट्टी में लेट बीट के, हाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है इसमें, तो वही। तो वड़ा पाव ऑर्डर किया, वड़ा पाव ऑर्डर किया, अभी माइक लगा नहीं है मेरे इसमें, तो दो वड़ा पाव दो चाय एंड बाइक इधर रखा है, अभी निकलते हैं घर को।
एक नंबर वड़ा पाव, एक नंबर, मज़ा आ गया। तो आप भी कभी आओगे तो क्या है, देशमुख वड़े वाले के पास रुकना, ये अपना बराबर नीचे घाट के पास ही आ जाता है। तो जस्ट घाट का एकदम होते जैसे आप लोनावला सिटी एंटर करोगे के वहीं पर ही है, जब आप बॉम्बे के लिए एग्जिट लोगे वहीं पर ही है देशमुख वड़े वाले। तो प्लान था कि एक ही खाएंगे, बट टेस्ट इतना अच्छा है कि एक और लेने का मन कर रहा है, तो एक और ले लिया। चाय भी आ रही है। हाँ, चाय भी आ रहा है। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। अभी ये हेलमेट थोड़ा बहुत मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज ब्रेक इन हो गया, दो तीन बार उतारा पहना, दो तीन बार उतारा पहना ना, तो सेट हो गया अभी ये। चीयर्स। तो हम आ गए घर एंड या सीधा को पार्क कर दिया। सीधा एक्चुअली थोड़ी गंदी हो गई है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। हमें इतना काला क्यों दिख रहा हूँ भाई। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, दैट्स इट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एज ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्ट्रीट्स, राइट एंड प्रोपगेट एंड चेज योर ड्रीम्स। सो आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड देन बाय बाय, टेक केयर। एंड आई लव दिस राइडिंग गियर, दिस इज गोना बी माई टूरिंग राइडिंग गियर एंड टूरिंग हेलमेट, एंड हेलमेट इज अमेजिंग। ट्राई करूंगा मैं लिंक सबके नीचे दे दूँ, एंड दैट्स इट, बाय बाय। मैं इतना मोटा नहीं हूँ जितना दिख रहा हूँ। बाय बाय, आई लव दिस हेलमेट।